उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई हो, और ऐसे में आलाकमान के लाख समझाने के बावजूद कांग्रेस के जो नेता हैं वो मानने को तैयार नहीं है। हालात तो ये हो चुके हैं कि अब सभी गुट एक दूसरे के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी, दो गुटों में बटी उत्तराखंड कांग्रेस। हरीश समर्थक विधायक नाराज, इंदिरा हृदेश के खिलाफ खुला मोर्चा। उत्तराखंड कांग्रेस में नूरा कुश्ती चल रही है। हरीश रावत को लेकर कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ गई है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हरीश रावत समर्थक विधायकों की नाराजगी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश को लेकर अधिक दिखाई दी। कांग्रेस के उपनेता करण महरा, धारचूला विधायक हरीश धामी और जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सार्वजनिक रूप से इंदिरा हृदेश के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। हरीश धामी ने तो साफ कहा कि अगर पार्टी के शीर्ष नेता हरीश रावत की उपेक्षा करते रहेंगे तो वह 2022 का चुनाव कांग्रेस से नहीं निर्दलीय लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के उपनेता करण मेहरा के भी तेवर गर्म दिखे। बिल्कुल अनदेखी हो रही है, और मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में हरीश रावत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता या उत्तराखंड का आम जनमानस सीधे तौर पर हरीश रावत से संवाद कर सकता है, और हर एक क्षेत्र के व्यक्ति को, हर गांव के गधेरे के व्यक्ति को हरीश रावत सीधे तौर पर जानता है, उसकी परिस्थितियों को जानता है, और वो भली भांति जो है कार्यकर्ताओं के नब्ज को टटोल सकते हैं, उनको जान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से संगठन की तरफ से यहाँ पर अनदेखी की जा रही, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के लिए कांग्रेस के लिए खतरे का झंडा है। देखिए, पूरे राज्य के कर्मचारी 2004 से पहले की पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं, और हल्के हल्के संगठनात्मक रूप से उनकी मीटिंगें चल रही हैं, जो आने वाले समय में भविष्य के लिए, राज्य के लिए खतरा भी है। और मेरा ये मानना है कि सरकार को इसमें निश्चित ही पहल करनी चाहिए। जो कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर, आर्थिकी के रोक लेके, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, उनसे कैसे हम अच्छे रूप में कार्य ले सकते हैं। और जहाँ एक तरफ विधायकों को, सांसदों को 5 साल के कार्यकाल के बाद पेंशन लागू हो जाती है। हरीश खेमे की ओर से मिले सुझाव पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी की चेतावनी के बावजूद पार्टी में अपनी धपली, अपना राग चल रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश ने भी साफ कहा कि हरीश रावत खुद आलाकमान है, ऐसे में उनका अपमान और उपेक्षा करने की हिम्मत किसी की नहीं है। अब हम जब से दे आए हैं, उसको भी लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन उम्मीद है इस जनवरी में शायद आपको नई कार्यकारिणी मिल जाएगी। माननीय मंत्री जी ने सदन में बयान दिया कि हम जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्तियां हैं उनको जो है अधिकतम जो है मानदेय देने का काम कर रहे हैं। हम बड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं, देखिए अपनी मांगों को लेकर के जो है लोग आंदोलन करते हैं, और आंदोलन करने के बाद ये भी होता है कि अक्रॉस द टेबल बात होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो हैं इतने लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं, और 2 बार मुख्यमंत्री आवास कूच भी कर चुकी हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जो है उनसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल कांग्रेस में कई दिनों से घमासान चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस गुटबाजी को रोकने के लिए पार्टी आलाकमान हस्तक्षेप करता है, या फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस में गुटबाजी के हालात और खराब होते दिखाई पड़ेंगे। देहरादून से पंकज पवार, R9 TV।